देश के साथ एमपी में वर्ल्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। मंदसौर में बीते दिनों रहस्यमयी तरह से कई कौओं की मौत के मामले में वर्ल्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री का हाल ये है कि उन्हें चार लाइन की जानकारी भी मीडिया को पढ़कर देनी पड़ रही है। मंदसौर में मृत कौए में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पॉजिटिव आया है। दरअसल राजस्थान के कुछ जिलों में वर्ड फ्लू की खबरें सामने आने के बाद अब वर्ड फ्लू एमपी में भी दस्तक दे चुका है। प्रदेश के कुछ जिलों के साथ मंदसौर जिले में भी सैकड़ों कौओं की मौत बर्ड फ्लू के होने की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक जिले में संदिग्ध रूप से कौओं की मौत का पहला मामला 26 दिसंबर को सामने आया था। विभाग के अधिकारी की माने तो जिसके बाद से अब तक देखते ही देखते करीब 150 कौए दम तोड़ चुके हैं। मृतक कौओं में वायरस की पुष्टि होने के बाद मंदसौर जिला कलेक्टर द्वारा नगर पालिका अधिकारी, वन विभाग के अधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कौओं की सबसे अधिक मौत शहर के पुराने कलेक्ट्रेट कैंपस में हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन अब इस क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में सैनिटाइजेशन और परिवारों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे चुका है। ये विगत जो है 26-27 तारीख से इनके मौत की जानकारी आई थी हमारे पास में, तो स्थानीय हमारे जो जिला पशु चिकित्सालय में वहाँ पर हमने एक कौवे का पोस्टमार्टम भी करा था। उसमें हमें कोई ऐसे लीगली सिम्टम नहीं दिखे थे, एक जनरली भूख के कारण हमें उसमें सिम्टम नज़र आए थे। उसके बाद में फिर दूसरे दिन हमने फिर संयुक्त टीम से, हमारे डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने भी पोस्टमार्टम करा उसमें, तो उसमें भी हमें वही लक्षण दिखे। परंतु इसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी कौओं के मरने की, तो हमने 4 कौवे सैंपल पूरे जो है स्टेट डीआई लैब को भेजे और वहाँ से जो है नेशनल इंस्टीट्यूट हाई सिक्योरिटी लैब के लिए सैंपल दिए गए, जिसमें आज हमें शाम को इसका हमें ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की गई है कि कौओं में ये एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल मीडिया के सामने आए। उन्हें ना तो विषय की गंभीरता का ज्ञान था, ना इसके बारे में कोई सटीक जानकारी थी। मंत्री पटेल चार लाइन भी बिना देखे नहीं बोल पाए। इनका बयान सुनकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि इनका विभाग के लिए क्या योगदान रहने वाला है। देखो, हम लोगों की और हमारी सरकार की बहुत चिंता है। पूरे प्रदेश में पशुपालन विभाग सहित अन्य विभाग को आदेशित किया है कि स्थिति पर निगरानी रखे। विशेष तौर पर मुर्गी पालन करने वालों को चेताया है और कोई समस्या हो तो विभाग को सूचना करें। कई राज्य पक्षियों की महामारी वर्ल्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं। हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में अब तक 84,775 पक्षियों की मौत हो चुकी है। इनमें से हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में वर्ल्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जबकि हरियाणा और गुजरात में पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। पक्षियों की मौत के बाद 6 राज्यों में अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। इंदौर, मंदसौर, आगर, खरगोन, उज्जैन, देवास, नीमच और सीहोर में कौए मृत मिले हैं। सभी जिलों को अलर्ट किया गया है, कहीं भी पक्षी मृत मिले तो सैंपल भेजे जाएं। जहां मृत पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही है, वहां पोल्ट्री फार्म के भी सैंपल लेने को कहा गया है। मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के संचालक डॉक्टर आर के रोकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में राजस्थान के सीमावर्ती हिस्सों से बर्ड फ्लू आया है। हम पूरे प्रदेश में नजर रखे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।